गाजा के अलग अलग हिस्से में हमास पर चढ़ाई करने के बाद इजरायली सेना ने राफा शहर पर आक्रमण कर दिया था। राफा गाजा के भीतर इकलौता ऐसा शहर था जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी, और राफा पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि राफा पर हमला करना इसराइल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन की एक नहीं सुनी और राफा पर हमला कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका के बीच समय का पहिया फिर से घूमकर वहीं वापस आ चुका है, जहां पर बाइडेन एक बार फिर से नेतन्याहू को रोक रहे हैं। लेकिन इस बार जगह राफा नहीं बल्कि लेबनान है, जहां से हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल को दहला रहा है, और यही वजह है कि IDF हिजबुल्ला के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल हिजबुल्ला के साथ जंग लड़ने की हालत में है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्ला पर हमला करना IDF के लिए इतना आसान नहीं होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ जंग से दूर ही रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों है? तो आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर इसराइल हिजबुल्ला से जंग लड़ता है तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से धराशायी हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हिजबुल्ला एक ही दिन में 3,000 मिसाइलें इसराइल पर दाग सकता है, और ऐसे हालातों में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ इतनी मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से लेकर 2,00,000 तक मिसाइलें हैं। वहीं हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्लाह का कहना है कि उनके पास 1,00,000 से ज्यादा शस्त्र लड़ाके हैं, जिनके पास सीरिया में लड़ने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास हजारों लंबी और छोटी दूरी की अनगाइडेड मिसाइलें हैं। हिजबुल्ला के जखीरे में कई गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें वो जमीन के भीतर और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकता है। और इसराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हिजबुल्ला के कामिकेज ड्रोन है, जिन्हें बीते समय में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। इसके अलावा रिचमंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म की 3 साल तक चली एक रिसर्च में हिजबुल्ला को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, और इसी संस्था की रिसर्च में पता चला है कि हिजबुल्ला एक दिन के भीतर 3,000 मिसाइलें फायर कर सकता है, और ऐसा वो करीब 4 हफ्तों तक कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को धराशायी करना है। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल क्षमताओं का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना एक बहुत बड़ा टोही अटैक मिशन होगा। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक की रिसर्च में ये भी पता चला है कि हिजबुल्ला इसराइल की घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई लंबी और कम दूरी पर हमला करने वाली मिसाइलें हैं, और इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्ला की आने वाली मिसाइलों की संख्या होगी, जिन्हें जानबूझकर इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए बनाया गया है।